नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी इस चैनल में। जितनी भी डिलीवरीज भाई हमारे इस चैनल को देखते हैं उन सब के लिए हम अपडेट लाते रहते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डिलीवरीज न्यूज़ पहले आप तक पहुंचे। बताइए इस पर क्या कहेंगे आप? वो आप पर उम्मीद लगाए थे कि आपके मुखबिंदु से कुछ निकले। वो डेली वेजर्स को 11 रुपए दिए सर, उनको मुबारकबाद नहीं देंगे? 11 रुपए बढ़े हैं। दुखी सर आप भी हैं ये हमें इतना पता है, पर आप मजबूर हैं, बोल नहीं सकते कुछ भी, ना आपके हाथ में है। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई, हम भी समझते हैं। क्योंकि आपको चाहिए जादू की छड़ी जो घुमाए और जनता के मुद्दे सारे हल एक ही बल में हो जाए। उम्मीद करते हैं सर, जादू की छड़ी चाहिए सर। सर जब ये गलत बात चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के हर शख्स का भला हो, यहाँ से भागिए मत। वो डेली वेजर हो, NYC हो, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, CIC ऑपरेटर, होम गार्ड, SPO, MG नरेगा, SPO, VDC, मैं चाहता हूँ ऑल रिजर्व कैटेगरीज, कश्मीरी पंडित, PM पैकेज, नॉन PM पैकेज, मैं चाहता हूँ जनता का सेवक हूँ। मैं जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों का सेवादार हूं, खादम हूं, खिदमतदार हूं, पहरेदार हूं, चौकीदार हूं। मेरे जिस्म के खून का कतरा कतरा अपनी आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। जनता देख रही हो, सच में बोलिए। मैं आपको नहीं कहूंगी कोर्ट की तरह आपका कसम खाइए, हम कहेंगे मन पर, मन से ज्यादा इंसान कोई। मेरी बात सुनिए, आपको लगता है 50+ का लक्ष्य इस तरह इन हालातों में पूरा कर पाएगी भारतीय जनता? ये जो सारे मुद्दे आपने गिनाए हैं ना, इनका समाधान 50+ में है। 50+ में इन सबका समाधान। ये तो शर्त रख दी आपने, नो शर्त। 50+ में आप दो भी काम करके बताइए जो गिनाए हमने। 50+ समझिए, समझिए सर, सुनिए। आप दो काम अगर इनके कर देंगे ना, समझिए आपका 50+ पूरा हुआ। दो काम जितने गिना के बताया हमने, बिल्कुल। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के जन्म दिवस की छुट्टी की ना हमने सर, वो जनता जानती है की नहीं थी, ली थी। भले ही बाद में आपने कंट्रीब्यूशन दिया पूरा, पर फुल पहले दिन से एक डंडे खाए लोगों सुनो, ने सुनो जी, हमने पूरे दिन से कवर, पहले दिन से कवर। मैं कहता हूँ बीजेपी की सरकार थी, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, यस। और ये बात अब देखिए, सामने का बीजेपी की सरकार ही अभी बाकी मामलों में सरकार कहाँ गई आपकी? सुनो बाकी मामलों में सरकार की बात सुनो ना, क्यों ठप हो जाती है? सुनो ना, क्रेडिट लेना। सुनो मेरी जनाब, आपने दो काम कहा, दो काम बताइए। वो नहीं, अभी मैंने कहा जो अभी पेंडिंग काम उनमें से दो करके बताइए ना, 50+ का लक्ष्य आपका पूरा। देखो जादू की लड़ी आपके पास, सारे हल होने ना, कदू होने सारे होने ना, अद्धे तो ऊपर की पूछी गई कोई बीमारी दे कगार। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इम्तिहान ले रहे हैं आप मेरी, और LG साहब का बताइए ना, LG साहब कर क्या रहे हैं बताइए आप? एक तरफ से हमारी उनसे पूछिए ना, उनको आदेश आता ना, वो उनसे पूछिए सर, कमाल है। आपकी नहीं सुनेंगे तो हमारी कहाँ से सुनेंगे? वो उनसे पूछिए, या तो आपका पत्रकार हो, नहीं आपका कोऑर्डिनेशन है पत्रकार से, हमें पता हम कहाँ तक कैसे पहुँच पाए। जबरदस्त पत्रकार, आप तो आप नहीं पहुँच पाते, हम कहाँ पहुँच पाएंगे? हम तो छोटे से पत्रकार है सर, हम सिर्फ आम जनता की आवाज बनना चाहते हैं, नेता नहीं बनना। मैं आपके चैनल के ऊपर बोल रहा हूँ, मैं वो अर्जुन नहीं हूं जो अपना धनुष बाण कुरुक्षेत्र के मैदान में, जिसने धनुष बाण अपने कंधे से उतार कर नीचे रख दिया था और रथ से नीचे उतर गया था। मैं उस अभिमन्यु की तरह हूं जिसने चक्रव्यूह तोड़कर अंदर घुसा था और शहीद हो गया तो था। कहां पे चक्रव्यूह है यहां पे इस समय, कि कौन सा चक्रव्यूह तोड़ेंगे आप? तो जनता के मसले हल होंगे, बताइए ना चक्रव्यूह कहाँ पे है, कौन सा चक्रव्यूह तोड़ना है? साहब से बात करते हैं वकील साहब, हमने क्यों कहा कि ये आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के और PM पैकेज के वकील साहब बने थे और कोरा कागज भी साइन करके दे आए हैं कि आप लिखिए जो लिखना है। तो तरुण चुग जी यहाँ पर आए, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा थे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, ज्वाइन कीजिए। बताइए इस पर क्या कहेंगे आप? वो आप पर उम्मीद लगाए थे कि आपके मुखबिंदु से कुछ निकले। और डेली वेजर्स को 11 रुपए दिए सर, उनको मुबारकबाद नहीं देंगे? 11 रुपए बढ़े हैं डेली वेजर्स के। दुखी सर आप भी हैं ये हमें इतना पता है, पर आप मजबूर हैं, बोल नहीं सकते कुछ भी, ना आपके हाथ में है। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई, हम भी समझते हैं। क्योंकि आपको चाहिए जादू की छड़ी जो घुमाए और जनता के मुद्दे सारे हल एक ही बल में हो जाए। उम्मीद करते हैं सर, जादू की छड़ी चाहिए सर। सर जब ये गलत बात है सर, रविंदर सर आप तो, जनता आपको देखना पसंद करती है हमारे चैनल के माध्यम, जवाब तो देना पड़ेगा। आप चाहते हैं जादू की छड़ी? तो ये जो माहौल बन रहा है, सुनिए सुनिए, मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के
हर शख्स का भला हो, यहाँ से भागिए मत, वो डेली वेजर हो, NYC हो, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, CIC ऑपरेटर, होम गार्ड, MG नरेगा, SPO, VDC, मैं चाहता हूँ ऑल रिजर्व कैटेगरीज, कश्मीरी पंडित, PM पैकेज, नॉन PM पैकेज, मैं चाहता हूँ सबका भला हो। चाहने से क्या होगा सर, चाहने से उनकी परेशानियां दूर नहीं होने वाली, कुछ करिए सर। अगर आप चाहते हैं 50+ का लक्ष्य, क्योंकि उसी जन जो जिस समय जनता हमें देख रही है ना, जिनको आप पर विश्वास है, आपने भी उन लोगों पर विश्वास जताया था जब केंद्र में सरकार आई थी। डेली वेजर सर, वो किस हालात में, 11 रुपए सर, हमें तो अफसोस हुआ जाकर वहां 11 रुपए का क्या। मैं अपनी जनता का सेवक हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों का सेवादार हूँ, खादम हूँ, खिदमतदार हूँ, पहरेदार हूँ, चौकीदार हूँ। मेरे जिस्म के खून का कतरा कतरा अपनी आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। अवाम क्या बात करते हो, आवाम चाहती झुक झुक जियो, उनके पेट में रोटी होनी चाहिए सर, 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। आप झुक झुक जियोगे तभी उनका भला होगा ना, आप क्यों कहते हैं एकत्र को क्या करना है, पेट में रोकते खाली पेट तो भजन भी नहीं होता। आज हमारे डेली वेजर्स की हालत देखिए, हमें भी रोना आता है। जो रैबर अखिल फिजिकल एजुकेशन टीचर है, आपने उनको कहा आश्वासन दिया, अब कब आश्वासन पर खरा उतरे, हालात क्या है, आपको लगता है 50+ का जो लक्ष्य लेकर चले हैं वो पार कर पाएंगे। ये सारे मसले आप धार्मिक भी सुनिए, आप धार्मिक ककारों में भी हमने देखा हुआ सर, आप बड़े ही उसमें भागीदारी भी करते हैं। मन पर हाथ रखिए, कहते हैं हर एक इंसान के अंदर भगवान होता है, मन पर हाथ रखिए, ये समय जनता देख रही हो, सच में बोलिए। मैं आपको नहीं कहूंगी कोर्ट की तरह आप कसम खाइए, हम कहेंगे मन पर, मन से ज्यादा इंसान कोई। मेरी बात सुनिए, आपको लगता है 50+ का लक्ष्य इस तरह इन हालातों में पूरा कर पाएगी भारतीय जनता? ये जो सारे मुद्दे आपने गिनाए हैं ना, इनका समाधान 50+ में है, 50+ में इन सबका समाधान। ये तो शर्त रख दी आपने, नो शर्त, 50+ में। आप दो भी काम करके बताइए जो गिनाए हमने, 50+। समझिए समझिए सर, सुनिए, आप दो काम अगर इनके कर देंगे ना, समझिए आपका 50+ पूरा हुआ। दो काम जितने गिना के बताया हमने, बिल्कुल। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के जन्म दिवस की छुट्टी की ना हमने सर, वो जनता जानती है की नहीं थी, ली थी, भले ही बाद में आपने कंट्रीब्यूशन दिया पूरा फुल पहले दिन से, एक डंडे खाए लोगों सुनो, ने सुनो, जी हमने पूरे दिन से कवर, पहले दिन से कवर। मैं कहता हूँ बीजेपी की सरकार थी, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, यस, और दिल्ली में ये बात आप देखिए, सर ने कहा बीजेपी की सरकार ही, अभी महाराजा हरि सिंह जी, ये देखो इधर लगाओ सर, ये हमें पता है, जूम करो, हमें पता है सर, जूम कर लेंगे, ये घुमाया मत करो आप, हमें मत घुमाया करो सर, सर किसी और को घुमाया करो, हमें मत घुमाया करो रविंदर सर, हमें मत घुमाया, हरि सिंह बहादुर खास करके रश्मि शर्मा को मत घुमाया करो, रश्मि शर्मा को मत घुमाया करो, रश्मि जी हमारी बहन है, आप एक ही बात बोले, ये सारे मुद्दे जो आप गिना रहे हैं, आप हमें कहते हैं झूठी, आप कहते हैं हमारी केंद्र, अब बाकी मामलों में सरकार कहाँ गई, मेरी बात सुनो, बाकी मामले में सरकार की बात सुनो ना, क्यों ठप हो जाती है, सुनो ना, क्रेडिट लेना, सुनो मेरी जनाब, आपने दो काम कहा, दो काम बताइए, वो नहीं अभी मैंने कहा, जो अभी पेंडिंग काम उनमें से दो करके बताइए ना, 50+ का लक्ष्य आपका पूरा, देखो जादू की रेडी आपके पास, सारे हल होने ना, कदू होने सारे होने ना, अद्धे के ऊपर की पूछी गई बेचारे, ये तक कोई बीमारी दे कगार, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, का इम्तिहान ले रहे हैं आप मेरी, और LG साहब का बताइए ना, LG साहब कर क्या रहे हैं बताइए, आप एक तरफ से हमारी उनसे पूछिए ना, उनको आदेश आता ना, वो उनसे पूछिए सर, कमाल है, आपकी नहीं सुनेंगे तो हमारी कहां से सुनेंगे, वो उनसे पूछिए, या तो आपका पत्रकार हो, नहीं आपका कोऑर्डिनेशन है, पत्रकार सर हमें पता, हम कहां तक कैसे पहुंच पाएंगे, जबरदस्त पत्रकार, आप तो आप नहीं पहुंच पाते, हम कहां पहुंच पाएंगे, हम तो छोटे से पत्रकार है सर, हम सिर्फ आम जनता की आवाज बनना चाहते हैं, हमें नेता नहीं बनना सर, एक बात याद रखना जी, मैं आपके चैनल के ऊपर बोल रहा हूं, मैं वो अर्जुन नहीं हूं जो अपना धनुष बाण कुरुक्षेत्र के मैदान में, जिसने धनुष बाण अपने कंधे से उतार कर नीचे रख दिया था और रथ से नीचे उतर गया था, मैं उस अभिमन्यु की तरह हूं जिसने चक्रव्यूह तोड़कर अंदर घुसा था और शहीद हो गया तो था। कहां पे चक्रव्यूह है यहां पे इस समय, कि कौन सा चक्रव्यूह तोड़ेंगे आप, तो जनता के मसले हल होंगे, बताइए ना चक्रव्यूह।